नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुधिराजा। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ और रत्न विशेषज्ञ भी हूँ। आज हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। यदि आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप देख रहे हैं और अपनी राशि के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी मैं आपसे जुड़ पाऊंगी और आपको आपकी राशि के बारे में बता पाऊंगी। यदि आप अपॉइंटमेंट भी लेना चाहते हैं तो भी इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और आप नंबरों पर कॉल कर पेड सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए महीने के शुरुआत में ही यात्रा का मौका आ रहा है, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी वैसे ही नॉर्मल यात्रा हो, वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। इस यात्रा से आपको लाभ मिलेगा और मुझे ऐसा दिखाई देता है मई महीने में आपको ऐसे मौके मिलते रहेंगे यात्रा के, जिनसे आपको लाभ मिलेगा। आपके काम जो हैं वो मुझे बनते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि शुक्र का दशम भाव में भ्रमण वृषभ राशि में सुख दिलाने में आपके लिए सहायक रहेंगे। कि देखिए, जब हमारे शुक्र हमारे दशम भाव में भ्रमण कर रहे हैं और वो भी वृषभ राशि में, तो इससे आपका क्या होगा, आपको सुख मिलेगा, आपको ना वैभव मिलेगा, आपको बड़े रिलैक्सेशन मिलेगी, धन मिलेगा अपने ऊपर खर्चा करने के लिए, मार्ग खुल जाएंगे फाइनेंस के, आपकी जॉब के, आपके करियर के, तो आपको सुख दिलाने वाला तो ये रहने वाला है। चंद्रमा कन्या राशि में सेकेंड हाउस में धन लाभ के दरवाजे खोल देगा जी, और आप बिजी रहेंगे अपने काम को लेकर। आपका ऐसा आपको काम रहेगा, इतने बिजी आप रहेंगे कि आपके पास किसी और चीज़ का फुर्सत ही नहीं अपने काम को लेकर, तो ये बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना कि इंसान तभी बहुत अच्छा होता है जब वो अपने काम करता है, अपने काम में बिजी रहता है, उसकी ऊर्जा बढ़ी रहती है, उसके पास ध्यान नहीं फालतू चीज़ों के लिए, ना डिप्रेशन के लिए, ना किसी निगेटिव चीज़ के लिए, ना फालतू चीज़ों के लिए। तो ये बहुत बेस्ट है कि आप अपने काम में रहेंगे, अपने धन कमाने में रहेंगे, तो ये मुझे इस महीने दिखाई देता है। एक योजना के लिए आप बेहद, आपको मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम करें, आप एक योजना बना के काम करते हैं ना, आपका टारगेट अपना उस चीज़ पर हो कि मैंने ये काम करना है और इस तरीके से आप काम करें। कोई भी अगर पैसा निवेश करना है, ट्रैवलिंग पर जाना है, एक बजट बना ले, इस बजट के तहत ही मेरे को खर्चा करना है, इस बजट के तहत ही मेरे को इससे बाहर नहीं जाना, ये आपको काफ़ी लाभ देगा। ये आपके लिए ज़रूरी भी है और आपको लाभ भी देगा, आपको फ़ायदा पहुँचा के जाएगा, तो आप ऐसा ज़रूर कीजिए। 16 और 23 के बीच पैसा हाथ में आते आते रह सकता है। कुछ चीज़ ऐसी होगी कि डील होते होते रह गई, या ये आपने बात कर ही ली कि हाँ जी मुझे इतने पैसे चाहिए, या इतनी डील हो गई लेकिन वो डील फाइनलाइज ना हो, आपके हाथ में चीज़ आते आते रह जाए। पर घबराइएगा नहीं, महीने के अंत आते आते सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपको उपाय भी बताऊँगी कि आप क्या कीजिए जो इसमें आपको सुधार हो, जो पैसा आते आते रह गया है या रह जाता है या डील होते होते रह जाती है, उसके लिए उपाय क्या करें, ये मैं आपको अंत में बताऊंगी। साथ में मैं आपको बताऊं, रिश्तेदारों से आपको मदद मिल सकती है। कोई भी ऐसा रिलेटिव आपका जो आपके जानकार है, या कोई भी इस तरीके का जो आपकी मदद कर सकता है फाइनेंस को लेकर, हेल्प कर सकता है। हो सकता है हमें ज़िंदगी में सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं होती, हमें सपोर्ट भी चाहिए होती है अपनों की, तो इस महीने आपको अपनों से सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आती है। अब हम बात करते हैं कुछ शुभ डेट्स की जो आपके लिए इस महीने में फेवरेबल हैं। 1, 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29 ये डेट्स आपको फेवर करेंगी, ये डेट्स आपके लिए शुभ हैं मई महीने में सिंह राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी डेट्स जो आपके लिए काफ़ी शुभ नहीं हैं, जो डेट्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही। 7, 8, 15, 16, 24, 25 और 26 ये डेट्स पे थोड़े काम अगर आप इम्पॉर्टेंट करने वाले हैं तो अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं उपाय की, कि आप क्या उपाय कीजिए। भुना हुआ आटा यदि संडे के दिन आप चींटियों को डालते हैं, वो भी बूरा डालकर, इसमें आप करारा बूरा भी मिला सकते हैं मीठा वाला, नहीं तो आप शक्कर भी मिला सकते हैं, ये मिलाकर आप चींटियों को खिलाइए और ये नियमित खिलाइए। आपके काम जो अटक रहे हैं, जो चीज़ें आपकी रुक रुक कर हो रही हैं, वो बहुत जल्द पूरी होंगी। तो तब तक के लिए ये रहा सिंह राशि वालों के लिए मई महीना। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।